स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ गॉड में। तो आइए साउथ गोवा के कोला बीच की सैर के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों ये बीच जो है नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा के बीच में कम से कम 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में, और जब भी आप कोला बीच में आना चाहते हैं तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आप फोर व्हीलर का सहारा ना लें। आप टू व्हीलर से आए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब है, और अगर आप फोर व्हीलर लेके आएंगे तो आपकी फोर व्हीलर यहाँ ज़्यादा दूर तक की नहीं आएंगी और फंस जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि टू व्हीलर से ही जाते वक्त बहुत ही खतरनाक यहाँ पे रास्ते पड़ते हैं। इसलिए आप ज़रूरी है कि आप टू व्हीलर से ही आए फोर व्हीलर से। तो जैसे कि आप इस शख्स को जानते होंगे, दुनिया के मशहूर और गिटारिस्ट है जो हमें रास्ते पे मिले थे, और हमने इनका पीछा किया ऑटो ब्लॉक भी किया। तो हम रास्ता भटक गए थे इस कोला बीच के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमें लगा कि यही रास्ता है इस बीच पर जाने का, लेकिन असल में ये रास्ता नहीं था। लेकिन आइए हम सकते कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये वही रिवर है जो कोला बीच को टच होती है, लेकिन ये वो रास्ता नहीं है जो कायाकिंग के लिए जाता है। आइए वापस चलते हैं। फिर से दोस्तों हमने ये और एक रास्ता लिया था, हमें लगा कि ये रास्ता हमें वहां तक पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने फिर से गलत रास्ता लिया जिसकी वजह से हम भटक गए। रिवर है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, बहुत अच्छा नजारा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग शूट करने आते हैं। तो असल में दोस्तों हमें वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ पे जाने का रास्ता कोई और है। तो आइए हम लोग वापस चलते हैं उस रास्ते की ओर, और उस बीच पे हम लोग जाते हैं। सकते ये है कोला बीच का रास्ता, और ये है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत कोला बीच, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और यहीं पे ही कायाकिंग की सवारी होती है। अगर आप अक्टूबर या सितंबर के समय में आते हैं तो बहुत ही अच्छा मौसम भी होता है, और सिर्फ 100 रुपये में दोस्तों आप इस कायाकिंग को आप चला सकते हैं। बात आप याद रख सकते हैं कि जब भी आप इस समुंदर या नदी के किनारे आते हैं तो हमेशा जो भी आप चीज़ें खाते हैं या फिर पीते हैं उसे हमेशा समुंदर में मत फेंकिए, उसे बाहर फेंकिए। आप देख सकते हैं कितना कचरा इस जगह फैला हुआ है। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, जो भी चीज़ें आप खाते हैं उसे सकते। जैसे ये है कायाकिंग, और इसकी सवारी सिर्फ 100 रुपये में सितंबर के अक्टूबर के महीने में होती है। तो आप ज़रूर आके यहाँ के मजे ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा और क्लीन वाटर होता है यहाँ का। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो आप ही की सपोर्ट की वजह से हम कर पाते हैं। आप देख सकते हैं रिवर का पानी बाहर जा रहा है और इस समुंदर में टच हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छा बीच है दोस्तों कोला बीच। आप ज़रूर यहाँ आइए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे फोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कायाकिंग से, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी सवारी सिर्फ 100 रुपये है। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चाहे तो आप इसे टैप करके इस दूसरे पार्ट को भी आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।